भाई खाना खा लिया ना, कोले यार था उसे खाना क्या होता है मैं एक दिन शायद दूसरे दूसरे दिन से एक दिन तब गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे आप सब, होप अच्छे होंगे। तो गाइस पिछले कल का ब्लॉग मैंने बनाया नहीं था क्योंकि मैं बहुत बिजी था, मतलब ब्लॉग बनाने का वक्त तक नहीं मिला इसलिए नहीं बनाया। तो जो मेरा परसों का ब्लॉग था मैंने वही डाल दिया था तब एडिट करके, उसके दो पार्ट बने थे ना, एक दो वो नहीं तो बहुत लंबा हो जा रहा था। तो उसका दूसरा पार्ट जो पार्सल वाला था वो मैंने डाल दिया है, देख सकते हैं आप उसे। तो आज भी कुछ ऐसा ही है, मौसम लगातार खराब होता जा रहा है, क्या करें क्या नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। थोड़ी देर धूप लगती है फिर बारिश आती है, धूप लगती है फिर बारिश आती है। यार मुझे काम था, कुल्लू जाना था यार, क्या बोलते वो नहीं हो रहा ना, क्या बोलते पुलिस का एग्ज़ाम है 3 तारीख को बोल रहे हैं, अभी तक उसका हमको मैसेज ही नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो इसके लिए SP के पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। तो ऐसा है सिस्टम, क्या करें अब, जिनकी जंडवा फिर भी गंडवा, एवरीथिंग इज भाई। इस वक्त तुम्हें खेत में और यहाँ वाले को भेज रहे कंटिन्यू, 4 दिन बारिश आ रही थी ना तो उसकी वजह से सख्त था ये, अब तो चलो नरम हो गया है काफ़ी। बिजने को भी ठीक है, बिजी देते शाम को, क्या पता दोबारा से बारिश आ जाए, ये कर दिया ख़त्म, बस अब ये रह गया फिर हो जाएगा। भी निकले दूसरे खेत को, बोला कि आज सारे काम ख़त्म करके आना, वरना रोज रोज काम ख़त्म ही नहीं होते, तो आज सारा काम ख़त्म करके आएंगे। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम खेत में और देख सकते हैं आप, इसको भिजेंगे अभी, यहाँ तो पर लंबी है पक्की। अब गाइस फाइनली खेत में काम ख़त्म हो चुका है और अभी मैं घर पहुंच चुका हूं, अभी बस हवा ले रहा हूं क्योंकि पसीना पसीना हो गया। मशीन को ले आना इतना मुश्किल काम है ना भैया जी, कहां चढ़ाना कहां गिराना, अकेले काम करना पड़ता है। तो चलो जैसे तैसे तो मैंने पहुंचा दिया उसे घर, अब बस आराम करने का वक्त है। शाम के 3 बज चुके हैं, 3 बजे घर पहुँचाऊँ मैं, तो बस अभी थोड़ी हवा ले रहे हैं, उसके बाद चाय चुय पियेंगे, उसके बाद अपना काम करेंगे। अब अपने काम को तो वक्त ही नहीं मिलता, बहुत कम वक्त मिलता है। चलो मिल गया, आज तो मिल गया थोड़ा वक्त। तो एक बारी फिर बारिश आते हुए गाइस, हर जगह थोड़ी थोड़ी हवा के साथ। तो देख सकते हैं गाइस सुबह के टाइम कभी धूप तो कभी बादल खा, कभी धूप लगती है तो कभी बारिश आती है, और बारिश भी ऐसी वैसी नहीं है, ओले वाली बारिश तो साइड तो उतने नहीं है, लेकिन उस साइड को पिछली साइड को मेरे वहाँ दिखाई नहीं दे रहा ना, बारिश भी बहुत तेज है, ओले पड़ रहे हैं, ऐसे भयंकर ओले पड़ रहे हैं ऊपर ऊपर खतरनाक वाले। अब बारिश का तो रोज का ही हो गया है, एक जगह तो शादी में जाना था यहाँ, अब गए शादी पे। तो फाइनली गाइस बारिश रुक चुकी है और इस वक्त हम जा रहे हैं शादी को, जहाँ के बारे में आपको मैं पहले बता रहा था, उस शादी में जा रहे हैं, दोस्तों को कॉल कर लिए, सब लोग आ रहे हैं। तो चलते हैं देखते हैं कौन कौन दोस्त आ रहे हैं, एक को कॉल किया है, एक उसके साथ और है, और कौन कौन आ रहे हैं अभी पता चलेगा जब उसको फ़ोन करेंगे। तो मिलते हैं उनके साथ ही, अब अगला शूट होगा। थैंक यू, लाइक शेयर कॉमेंट कर दीजिए गाइस, आप करते नहीं कर दीजिए प्लीज़। इस वक्त रास्ते में हूँ मैं और जा रहा हूँ, इस टाइम बड़े को जाना है, मुझे शादी है वहाँ पर। तो वैसे अब थोड़ी देर के बाद मिलने वाला अपने दोस्तों से, और अब तो मौसम भी थोड़ा सा साफ सा हो गया, वरना पहले तो बहुत तेज़ बारिश चली थी, लग नहीं रहा था कि साफ़ होगा। तो वहाँ देखो साफ़ हो चुका है, बाकी तो हल्का काला ही है। तो यहाँ देखो सेब भी लाल हो गए, हल्के हल्के लाल। Thank you.
हाँ तो गोलू कैसा लगा तेरे को खाना, कैसा लगा भाई खाना? कितना छोड़ा आपने? कितना छोड़ा? एक भी नहीं छोड़ा भाई, हम छोड़ेंगे। भूख लगी थी? भूख लगी थी भाई, सुबह के बाद कुछ खाया नहीं। और तेरी तो गाइस यहाँ पे है शादी और यहाँ आए थे हम, अभी बस निकलना है, अपने दोस्त लोग आ रहे हैं, ये दो आ गए। तो गाइस इस वक्त खाना वाना खा के हम निकल चुके हैं आगे को, तो साथ में है निखिल और ये रहा कुछ बड़े मंदिर का ऊपर जंगल में, तो बस ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी आगे जाएंगे तो बाद में थोड़ी देर के बाद वापस चल जाएंगे यहाँ से। अंधेरा हो रहा है, अंधेरे में दिखता नहीं है कुछ, अंधेरा कायम रहे, ट्रैफिक देख रहे हो समय, नाच गाना चल रहा है शादी का, इनका मूड बन रहा है शादी में जाने का पर जा नहीं रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं बुजुर्ग यार नाच रहे, ये देखिए इनको। कांची रे